नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फैक्ट FLP पर। जुड़ो जोड़ो जीतो, डॉक्टर उज्जवल पाटनी। कहते हैं पुस्तकें जीवन बदलने का दम रखती हैं। पुस्तकें तभी जीवन बदल सकती हैं जब उन्हें सरसरी तौर पर पढ़ने की बजाय लेखक के विचारों को ग्रहण किया जाए। जब पाठक मस्तिष्क के दरवाजों को खोले और मैं ज्ञानी हूँ इस धारणा को निकाल फेंके और विचार करते हुए पढ़े। इस पुस्तक को पढ़ने के पहले मैं आपके दिमाग की कसरत चाहता हूँ, जिससे आपके मस्तिष्क भंडार में मेरे विचारों के लिए भी थोड़ी जगह बन जाए। इस कार्य को गंभीरता से करें। जितनी भी कल्पनाएं हों वो सब लिख लें। चित्र को पुनः देखें और पुरानी सारी कल्पनाओं को छोड़कर नई कल्पना करें। उल्टा सीधा टेढ़ा हर कोण से देखें। इसमें थोड़ी मेहनत जरूर करें पर आपको आनंद आएगा। कम से कम 10 उत्तर जरूर सोचें। यदि आपका उत्तर मेरे उत्तर से मेल खा गया तो अपनी पीठ जरूर थपथपाइएगा, क्योंकि आप पूर्ण ईमानदारी से नए विचार ग्रहण करने की मुद्रा में आ चुके हैं। उम्मीद है आपके मस्तिष्क में ढेर सारे अजब गजब विचार आए होंगे। कुछ पाठकों ने तो ध्यान से देखने की कोशिश ही नहीं की होगी, लेकिन कुछ लोगों ने जरूर दिमाग पर जोर दिया होगा। बहुत कम लोग सही जवाब सोच पाते हैं, लेकिन मैं उन सब को बधाई देता हूँ जिन्होंने कुछ सोचने का प्रयास तो किया। इसका सही जवाब है अंग्रेजी के 4 अक्षर LIAR। इस तस्वीर में छुपा है यह शब्द लायर। इस टेढ़े चित्र को फिर से ध्यान से देखिए, क्या आपको यह शब्द नजर आ रहा है? अपनी कार्यशालाओं और सेमिनारों में ऐसी ढेरों मानसिक कसरतों के माध्यम से हम प्रतिभागियों को उद्वेलित करते हैं और उनके मस्तिष्क को जागृत करते हैं। इस चित्र को देखकर लोगों ने जो उत्तर दिए वे आपसे बांट रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू, 567 खूबसूरत लड़की, सोच में डूबी लड़की, परेशान आदमी, अंधा व्यक्ति, कौवा और चिड़िया, घमंडी आदमी, गुस्सैल आदमी, रोता हुआ चेहरा, शीशा देखता हुआ व्यक्ति, एक आंख वाला व्यक्ति, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, रानी मुखर्जी, न जाने क्या क्या। एक ही चित्र लेकिन जितने लोग उतने जवाब। यह इस बात का प्रमाण है कि हर परिस्थिति को हर व्यक्ति अपनी नज़र से देखता है। किसी को समस्या नज़र आती है तो किसी को समाधान, कोई अच्छाई देखता है तो कोई बुराई देखता है। खास बात यह है कि जीवन को हम जिस रूप में देखते हैं जीवन उसी रूप में सामने आता है। यह चुनाव आपको करना है कि आप जीवन में खुशी देखना चाहते हैं या दुख। जुड़ो। इस हिस्से में पढ़िए नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली से जुड़ने के ठोस कारण। एक नया व्यक्ति जुड़ो को पढ़कर नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में अपनी गलत धारणाएं मिटा देगा, इस प्रणाली की ओर आकर्षित हो जाएगा और एक सुनहरे भविष्य की रचना करेगा। नंबर 1, सच्चाई। यह बिजनेस प्रणाली उतनी आसान नहीं है जितनी यह प्रचारित की जाती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि इसमें असफल होने वालों का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन एक बात तय है कि प्रतिस्पर्धा, छटनी, नीतियों में परिवर्तन, बाजार का उतार चढ़ाव जैसी बाहरी बातों से नेटवर्कर कभी प्रभावित नहीं होता। इतनी कम लागत में इतना बड़ा अवसर भी दूसरे किसी व्यापार में नहीं। इसे आप धीरे धीरे अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र के साथ विकसित कर सकते हैं। इस प्रणाली में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यह लगता है कि स्वयं को सफल बनाने वाले भी आप होते हैं और असफल बनाने वाले भी आप। दूसरे आपके भविष्य को सुखद या दुखद नहीं बना सकते। नंबर 2, पुराना काम नया दाम। नेटवर्क मार्केटिंग कोई नया कार्य नहीं है, इसे इंसान सदियों से करता आ रहा है। यदि हमें कोई पिक्चर अच्छी लगती है तो हम बहुत से लोगों से उसकी तारीफ करते हैं। यदि कोई डॉक्टर अच्छा लगता है तो अन्य लोगों को उनसे चिकित्सा कराने की सलाह देते हैं। यदि कोई दर्जी अच्छा लगता है तो अन्य लोगों से उसकी सिफारिश करते हैं। लगभग हर उत्पाद, लगभग हर सेवा जिसका हम उपयोग करते हैं उसके बारे में अच्छा या बुरा दूसरों को बताते हैं। हमारी सलाह, सिफारिशें से इन सबका व्यापार बढ़ता है, परंतु हमें व्यापार बढ़ाने के एवज में कोई हिस्सा नहीं मिलता। परंतु यह एक तरह की नेटवर्क मार्केटिंग ही है जिसे हम बचपन से बुढ़ापे तक लगातार करते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें व्यापार बढ़ाने के एवज में हिस्सा देना शुरू किया है। इस प्रणाली में यदि आपकी सिफारिश या सलाह से कोई उत्पाद बिकता है या आपसे प्रभावित होकर कोई इस व्यापार से जुड़ता है तो आपको निश्चित आय होती है। यदि
यही प्रचार हम थोड़ा गंभीर होकर करें, यही बातें हम लक्ष्य बनाकर करें, तो यह व्यापार हमें हमारे मूल कार्य क्षेत्र से भी ज़्यादा आय देने में सक्षम है। इसके लिए कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही करना है जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन वह एक निश्चित विधि से किसी नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़कर करना है। नंबर 3, क्या आपका व्यवसाय रोजगार सुरक्षित है? पिछले 20 वर्ष संसार में आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तकनीकी क्रांति, वैश्वीकरण ने व्यापार के तौर तरीके बदल दिए। मोबाइल और इंटरनेट ने देशों और महाद्वीपों की सीमाओं को मिटाकर एक समग्र विश्व बना दिया। इस अद्भुत परिवर्तन ने कुछ को लाभ हुआ तो कुछ को नुकसान। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में तकनीकी समृद्धि की वजह से रोजगार कम होने लगे, लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लग गई। क्यों न हो एक अत्याधुनिक मशीन बहुत से लोगों का कार्य करके समय और धन दोनों। इसके कुछ दर्दनाक उदाहरण भी हमारे सामने आए। बीते कुछ दशकों में बहुत सी टेक्सटाइल कंपनी मिले बंद हुई और लाखों कार्मिक बेकार हो गए। कोका कोला और पेप्सी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से भारतीय कंपनियों को या तो उनमें विलय होना पड़ा या वो बंद हो गई। विदेशी उन्नत वाहन निर्माताओं ने देश में प्रवेश किया और कई भारतीय चौपहिया और दुपहिया कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई। एक सामान्य से टैली सॉफ्टवेयर ने संस्थानों की गद्दियों से मुनीमों को समय से पहले रिटायर कर दिया। सस्ते मोबाइल फोन और इनकी बेहताशा बिक्री ने हजारों पब्लिक टेलीफोन बूथों पर ताले लगवा दिए। हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में एक नई तकनीक आती है, एक नया आविष्कार होता है और उसी के साथ एक पुरानी तकनीक को अलविदा कह दिया जाता है। साथ ही दांव पर लग जाती है उस उद्योग से जुड़ी करोड़ों लोगों की तकदीर। हम में से कोई भी नहीं कह सकता है कि बड़ी लागत और मशीनें लगाकर हम जो व्यापार कर रहे हैं वह कितने दिन चलेगा। हम पूरी ताकत झोंककर जिस उद्योग के साथ अपना भविष्य जोड़ रहे हैं उस उद्योग का भविष्य क्या है? सरकारी नीति में एक मामूली सा परिवर्तन करोड़ों लोगों का रोजगार छीन सकता है, वह रोजगार जिसके दम पर बेटियों की शादी के सपने संजोए जाते हैं, वह रोजगार जिसके दम पर बच्चों की उच्च शिक्षा की योजनाएं बनती हैं, यह वह रोजगार जिसके द्वारा खुद का मकान और आरामदेह जीवन की कल्पना की जाती है। सोचिए, वह रोजगार आपका अपना नहीं है, वह तो किसी और के रहमो करम पर है। यदि आपको उसे अचानक बंद करना पड़े तो क्या आप करेंगे, कहाँ जाएंगे? जीवन भर की जमा पूंजी, लागत, मशीनें, कर्ज, उन सब का क्या होगा? यदि आप किसी सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत हैं तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति या ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की तलवार आपके सिर पर लटकी रहेगी। सर्वे कहते हैं कि आज भी भारत के अधिकांश पुराने कारखानों और उद्योगों में आवश्यकता से ज़्यादा कार्मिक श्रमिक है, और यदि उद्योगों को जिंदा रखना है तो छटनी और सेवानिवृत्ति जैसे कदम अनिवार्य रूप से उठाने होंगे। इन सबको छोड़ यदि आप अपना कोई व्यापार कर रहे हैं तो क्या वह व्यापार आपको इतनी आय देता है जिससे आप अपनी आवश्यकताएं आने वाले वर्षों में पूरा कर पाएंगे? आकस्मिक विपताओं और जरूरतों के लिए आपके पास पर्याप्त बैंक बैलेंस। ब्याज की गिनती बिल्कुल मत करना, क्योंकि दूसरे देशों की तरह भारत में भी ब्याज दर घटती चली जा रही है। मैं उस दिन को सोचकर हैरान हूँ जब बैंकों में पैसा सुरक्षित रखने के लिए हमें शुल्क देना पड़ेगा। यदि आपका व्यापार गला काट प्रतिस्पर्धा घटनी मार्जिन के बीच सुरक्षित है, यदि आपका आय वाले वर्षों में लगातार बढ़ने वाली है, यदि आपके पास व्यापार के बाद परिवार के साथ खुशी के क्षण बांटने के लिए समय बच पाता है, तो मेरी नज़र में आप बेहद खुश नसीब हैं। यदि आप भी संशंकित हैं, भविष्य के प्रति चिंतित हैं, यदि आप में भी खुद के लिए परिवार के लिए कुछ सपने संजोए हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने का आकर्षक अवसर आपके सामने खड़ा है। इसमें आपको आम व्यापार के जैसी लागत नहीं लगेगी। इसमें मशीनों की और स्टाफ की भी आवश्यकता नहीं। सिर्फ इस प्रणाली में आपकी आस्था, दृढ़ निश्चय, लगातार प्रयास और जुनून होना चाहिए। यह सरल और शॉर्टकट प्रणाली नहीं है, धन कमाने का कठिन रास्ता है, परंतु इसकी खासियत यह है कि इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सदी की यह क्रांति कैसे आपके सपनों को सच करने का श्रेष्ठ माध्यम बन सकती है, यह जानने के लिए आगे बढ़िए। नंबर 4, जैसी मेहनत वैसा परिणाम। हमारे पूर्वज अक्सर कहा करते थे, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। उनके जमाने में यह बात पूर्ण सत्य होगी, लेकिन वर्तमान समय में यह बात लागू होती नजर नहीं आती। कुछ कार्य क्षेत्रों और व्यवसायों में
अथाह मेहनत करके भी लोगों को उचित परिणाम नहीं मिलते, वे आजीविका नहीं चला पाते, अपनी और अपने परिवार की सामान्य आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पाते। दूसरी ओर अन्य लोग कम या औसत कार्य करके भी शानदार आय प्राप्त में भी अक्सर देखने में आता है कि मातहत जबरदस्त मेहनत और लगन से कार्य करते हैं और श्रेय बॉस को मिल जाता है, प्रमोशन और बोनस बॉस को मिल जाता है। यदि कोई जिम्मेदारी किसी को दी जाती है तो उसी टीम के कुछ सदस्य पूर्ण समर्पण से कार्य करते हैं, परंतु दूसरे कुछ सदस्य काम से दूर भागते हैं, परंतु अफसोस उपलब्धि सभी सदस्यों में बराबर बढ़ जाती है। ऐसे में जिन सदस्यों ने पूरी जान लगाकर कार्य किया हो उन्हें बुरा लगता है। आज भी हमारे देश में 70% सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में कार्य या गुणवत्ता के आधार पर पदोन्नति नहीं है, समर्पण के आधार पर पुरस्कार नहीं है। ऐसे में मेहनती कार्मिक भी धीरे धीरे आलसी हो जाते हैं, उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। इन सब के बीच नैडम मार्केटिंग प्रणाली हवा के ठंडे झोंके की तरह ताजगी लेकर आती है, क्योंकि यह प्रणाली आपकी मेहनत, लगन, निष्ठा, समर्पण का पूर्ण पारितोषिक देती है। यहाँ आपकी मेहनत का श्रेय बॉस को नहीं बल्कि आपको मिलता है। आपकी पल पल की मेहनत आपके खाते में दर्ज होती है, क्योंकि आप स्वयं अपने मालिक होते हैं। यह एक ऐसा व्यापार है जो आपकी मेहनत को भी रुपयों में बदलता है और आपकी बातों को भी रुपयों में बदलता है। कब कहीं किस रूप में कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाए, व्यापार को नई गति दे दे, कोई नहीं कह सकता। शर्त यह है कि आप काम करें। यदि आप सैद्धांतिक रूप में कार्य करें तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप मेहनत करें और आपको परिणाम न मिले। यह व्यापार आपका प्रतिदिन मूल्यांकन करता है। आप एक नए व्यक्ति को जोड़िए, आपका लाभ आपके खाते में आ जाएगा। आप एक उत्पाद बेचिए, आपका हिस्सा निश्चित हो जाएगा। यानी जो वर्तमान में एक प्रसिद्ध नेटवर्कर है, उन्होंने अपनी कहानी मुझे बताई। उन्हें अपनी जिंदगी के 14 साल एक सरकारी प्रयोगशाला में रिसर्च में बिता दिए। इन 14 सालों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण शोध किए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफल प्रयोग किए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक भी शोध का श्रेय उन्हें नहीं मिला। सारा कुछ उनके बॉस के खाते में दर्ज हो गया। उनके अंदर आक्रोश पनप चुका था। तब उन्हें किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग का अवसर दिखाया। उन्होंने इस व्यापारिक प्रणाली से जुड़ने का निर्णय इसलिए ले लिया कि कम से कम जितनी मेहनत वे करते हैं उतना परिणाम तो उनको मिलेगा, कोई और उसका श्रेय छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, यदि आप अपनी कड़ी मेहनत का मूल्यांकन चाहते हैं, शीघ्र चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा अवसर है। नंबर 5, न्यूनतम लागत, असीमित लाभ। यह लागत शब्द मैं सिर्फ आर्थिक निवेश के लिए उपयोग नहीं कर रहा हूँ, कीमती वर्षों के लिए और जी तोड़ मेहनत के लिए भी कर रहा हूँ जो हम किसी भी व्यवसाय के लिए करते हैं। आज छोटा सा व्यापार भी लाखों की लागत चाहता है, बाजार में साख चाहता है। व्यापार शुरू करने के लिए एक ऑफिस और गोडाउन, अनेक किस्म के कानूनी रजिस्ट्रेशन, फोन, फैक्स, स्टाफ, बिजली, प्रचार प्रसार जैसे न जाने कितने किस्म के खर्चे लगते हैं। हर किसी के पास इतना व्यय करने के लिए क्षमता नहीं होती। बहुत से लोगों के पास तो ऐसी चल अचल संपत्ति भी नहीं होती जिन्हें गिरवी रखकर वो इतने खर्चे की व्यवस्था कर सके। ऐसे में या तो आपका व्यापार शुरू करने का सपना धरा का धरा रह जाता है या शुरू करके आप आर्थिक दबावों में घिर जाते हैं। यदि आप सक्षम हैं और एक बढ़िया व्यापार प्रारंभ भी कर देते हैं तो यह कभी निश्चित नहीं होता कि आपको उससे निरंतर आय होती रहेगी। आपको घाटा भी हो सकता है। आप जिन लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं वो आपके साथ धोखा भी कर सकते हैं। आपको बाजार के उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ झटकों के साथ आप अपना सारा मूलधन खो सकते हैं। आपका धन भी गया, आपकी हिम्मत भी गई और आपके ढेर सारे वर्ष भी गए। बाकी सब तो आप पुनः कमा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकते। आपको फिर से शुरुआत करनी होगी। इन सबके बीच मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रणाली की विश्व की बहुत सी शीर्ष और मध्यम कंपनियों का अध्ययन किया और मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ कि इतनी कम लागत में आप कोई ऐसा व्यापार नहीं कर सकते जिसमें इतनी अपार संभावनाएं हो। 200 रुपये से 40,000 रुपये तक की लागत में आपको विश्व की सामान्य से लेकर श्रेष्ठ कंपनियों से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। इस लागत का भी अधिकांश हिस्सा कंपनियां आपको उत्पादों और प्रशिक्षण सामग्री के रूप में वापस कर देती है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली के धुरंधर लीडरों से भी बात की जो आज 2, 5, 10, 20, 25 और 40 लाख भी कमाते हैं। यह सुनकर अजीब सा लगता है, लेकिन यह सच भी है। इन लीडरों ने भी 15,000 से कम का निवेश किया था। सामान्य बिजनेस प्रणाली में हम शायद ही कभी कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ पाएंगे जिसमें 10 से 15,000 की लागत हो और असीमित लाभ हो, आय की कोई सीमा न हो।
यह व्यापार नहीं आर्थिक आज़ादी का माध्यम है। लेकिन यह बिजनेस भले ही कम आर्थिक निवेश से शुरू होता हो, लेकिन इसकी अन्य लागत बहुत है, जैसे असीमित समर्पण, अनवरत प्रयास, पूर्ण निष्ठा, लगातार सीखना, डटे रहना आदि। सार यह है कि प्रणाली आपसे आपके व्यक्तित्व की आंतरिक लागत मांगती है, आपके गुण मांगती है, वो सारे गुण चाहती है जो ईश्वर ने आपके अंदर कूट कूट कर भरे हैं। यदि आप अपना जुनून देने को तैयार हैं तो फिर आर्थिक लागत के लिए निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इससे कम लागत में आपके आसमानी सपनों को कोई और व्यापार पूरा नहीं कर सकता। नंबर 6, समय की आज़ादी। मैं जब कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली सिर्फ एक व्यापार नहीं है, परंतु जीवन जीने का एक नया तरीका है, और इसका अर्थ लोगों को जल्दी से समझ नहीं आता, आइए इसका अर्थ समझते हैं। भारतवासी रिश्तों और संस्कृति की डोर से बंधे हुए हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों के सुख और दुख के क्षणों में उनके साथ रहना चाहते हैं। वर्ष का कुछ प्रतिशत हिस्सा आज भी हम पारिवारिक आयोजनों और त्योहारों में बिताते हैं, लेकिन बदलती जीवन शैली हमारी संस्कृति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। यह संस्कृति मिलन सारिता रिश्ते नाते जो हमारे देश की पहचान है, वह फीकी पड़ रही है। इसका सिर्फ एक कारण यह है कि आज हमारे पास समय नहीं है। मशीनी जिंदगी और कड़ी प्रतिस्पर्धा ने जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है। अब माता पिता के पास बड़े हो रहे बच्चों के लिए समय नहीं होता, और युवाओं के पास वृद्ध हो रहे माता पिता की सेवा करने का वक्त नहीं होता। हम मन से आज भी स्वार्थी नहीं हुए हैं, लेकिन करें भी तो क्या, व्यापार ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां किनारे चली गई हैं। फिर कुछ सवाल मन में उठते हैं, क्या ऐसी ही मशीनी जिंदगी जीते जीते एक दिन दुनिया छोड़ देंगे? कौन सा चमत्कार होगा कि अचानक एक दिन खुशियों के पल बिताने के लिए हमारे पास अतिरिक्त वक्त आ जाएगा? यदि हमारे पास समय ही नहीं होगा तो कैसे हम अपने बच्चों को उचित संस्कार दे पाएंगे? कैसे उनके नाजुक मस्तिष्क में सकारात्मक सोच और जीत का जज्बा पैदा करेंगे? बहुत से समृद्ध और अशिक्षित लोग आर्थिक आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण समय की आज़ादी को मानते हैं, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी वो जीवन का आनंद नहीं उठा रहे हैं। वे तनावग्रस्त हैं, उनके परिवार बिखर रहे हैं, और वे खुद अति व्यस्तता से पैदा होने वाली शारीरिक व्याधियों से लड़ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली को जीवन जीने का नया स्टाइल मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये आपको पुनः मशीन से इंसान बना देती है। ये आपको संसार की सबसे बड़ी आज़ादी, अपने वक्त को अपनी इच्छा अनुसार बिताने की आज़ादी देती है। इसमें आप सुबह की चाय से रात के डिनर तक कभी भी कहीं भी नए लोगों को जोड़ सकते हैं। आप चुनते हैं आप कब काम करें और कितना काम करें। हो सकते हैं आप पूरे महीने का लक्ष्य एक हफ्ते में प्राप्त कर लें। आप एक हफ्ते में नए लोगों को अपने साथ जोड़ लें, अपने लक्ष्य के अनुसार उत्पादों का विक्रय कर दें। ये करने के बाद आप बचे हुए 3 हफ्ते अपनी मर्जी के अनुसार गुजार सकते हैं, अपने जीवन जीने का स्टाइल तय कर सकते हैं। आप पूरे वर्ष का बिजनेस का लक्ष्य जबरदस्त जुनून के साथ 2 महीनों में पार कर सकते हैं। बाकी 10 महीने समय की छड़ी को अपने अनुसार घुमाइए। इस आज़ादी से मुझे जलन सी होती है, क्योंकि पेशे से मैं एक डेंटिस्ट हूँ। रोज़ सुबह 9 बजे मैं क्लिनिक पहुँचता हूँ, लगभग 3:30 बजे लंच के लिए घर जाता हूँ, 5:30 बजे वापस क्लिनिक आता हूँ, और फिर रात को 10 बजे तक कार्य करता हूँ। एक दिन की छुट्टी के लिए भी लगभग 15 दिन पहले योजना बनानी पड़ती है। त्योहारों में, पारिवारिक कार्यक्रमों में हमेशा मुझ पर समय का दबाव होता है। मेरे जैसे और करोड़ों लोग हैं जो इस समय चक्र में छटपटा रहे हैं, लेकिन नेटवर्कर समय चक्र को अपने अनुसार सेट करते हैं। वो काम करने के दिन भी खुद चुनते हैं और घंटे भी खुद चुनते हैं। मुख्य बात यह है कि एक आम दुकानदार, डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि जितने घंटे कार्य करते हैं उतना ही कमाते हैं, परंतु नेटवर्कर की बात अलग है। वे कुछ घंटे कार्य करते हैं, उन घंटों में वो लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उसके बाद दूसरे लोग उनके लिए कार्य करते रहते हैं। दूसरों की मेहनत की आय का कुछ हिस्सा भी उनके साथ जुड़ता रहता है। तरक्की का यही मंत्र है, यदि आम रहना है तो 100 घंटे डटकर खुद काम करो, और 100 लोगों को जोड़ो, वो तुम्हारे लिए 1-1 घंटे काम करके तुम्हें 100 घंटे की आय दे। यदि आप भी समय के दबाव में मशीनी जिंदगी जी रहे हैं, यदि आप भी अपनी इच्छाओं और शौक के लिए वक्त चाहते हैं, यदि आप सुख दुख की हर घड़ी में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। नंबर 7, जमीनी सीमाओं की आज़ादी। आम व्यापारिक प्रणाली में कार्य करने की जमीनी सीमाएं होती हैं और आपको उनका पालन करना पड़ता है।
यदि आपके हीरो होंडा की नागपुर शहर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तो आप नियमित जाकर अमरावती शहर में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। यदि आप हिंदुस्तान लीवर के दिल्ली के डीलर हैं तो आप नियमित चंडीगढ़ में जाकर माल नहीं बेच सकते। आपके व्यापार का जिस जिले और राज्य में पंजीकरण है, जिन नियमों के तहत आप व्यापार कर रहे हैं, आप उन नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। आपकी अपनी कंपनी भी आपको निश्चित कार्य करने का क्षेत्र देती है। रैंडम मार्केटिंग आपको जमीनी सीमाओं की आज़ादी देती है। आपके पास पूरा भारत है, पूरे भारत की 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी आपसे जुड़ सकती है। अगर आप चाहें, जब चाहें, जिसे चाहें आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। आप किसी भी नियम से बंधे हुए नहीं हैं। यदि आप आगरा में हैं और आपके मित्र हैदराबाद में हैं तो वहाँ आप उन्हें जोड़ सकते हैं। यदि आप बेंगलोर में हैं और आपके रिश्तेदार रांची में हैं तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं। आपको कभी साथियों की, ग्राहकों की कमी नहीं होगी। आपके अंदर जितनी क्षमता है, आपकी जितनी योग्यता है, आपके जितने संपर्क हैं, उन सबको आप आय में परिवर्तित कर सकते हैं। उन सब की आय को मिलाकर आप अपने व्यापार का राष्ट्रव्यापी विस्तार कर सकते हैं। आप ऐसे राज्यों में पहुंच सकते हैं जहां आपके साथी अभी पहुंचे रहे हों और अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध कर उस राज्य में अपने संस्थान के सिरमौर बन सकते हैं। यही इस बिजनेस के तेजी से फैलने का सबसे बड़ा कारण है। जिस तरह से आकाश की सीमाएं नहीं होती, पंछी कहीं भी विचरण कर सकते हैं, ठीक उसी तरह यह बिजनेस प्रणाली पूरे राष्ट्र को अपने आकाश में बदल देती है। आप जहां चाहें, जितनी दूर तक चाहें उड़े और जहां अच्छा लगे वहीं बसेरा बना ले। क्या इतनी आज़ादी के बाद कभी भी हमारे व्यापार की, अवसरों की, साथियों की और उपभोक्ताओं की कमी हो सकती है? नंबर 8, महाराजाओं या सम्मान। इस बिजनेस के शीर्ष पर पहुंचने वाले लीडरों में जब आप पूछेंगे कि सिर्फ एक कारण बताइए जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा जाए, तो अधिकांश का जवाब होगा अभूतपूर्व सम्मान के कभी न भूले या जा सकने वाले क्षण। मैं एक बार कलकत्ता में एक सेमिनार से लौट रहा था। एयरपोर्ट पहुंचने पर मैंने देखा कि लगभग 3000 लोग एयरपोर्ट की पार्किंग से मुख्य द्वार तक सड़क के दोनों ओर खड़े सब बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहे थे। पहला विचार मेरे मन में आया कि अवश्य कोई नेता आ रहा होगा, लेकिन वो नेताओं वाली भीड़ नहीं थी। अधिकांश लोग टाई लगाकर प्रोफेशनल की तरह खड़े थे। मेरी फ्लाइट आने में लगभग 1 घंटा बाकी था। मैं उत्सुकतावश देखने लगा। फ्लाइट आई और जोर से नारे लगने लगे। एक सामान्य सा दिखने वाला लगभग 32 वर्ष का लाउंज में पहुंचा। उस पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगी। एक के बाद एक सैकड़ों लोगों ने उस युवक को फूल मालाओं से लाद दिया। इतनी फूल मालाएं कि उस युवक का चेहरा नजर आना भी बंद हो गया। ढोल पटाखों के बीच लाउंज से पार्किंग तक पहुंचने में उस युवक को 45 मिनट लगे। ऐसा राजसी स्वागत तो सिर्फ अब तक किताबों में पढ़ा था। मैं भी अभिभूत हो गया। उस युवक के जाने के बाद मैंने उस भीड़ में एक सज्जन से पूछा, भाई साहब ये कौन थे? उसने जवाब दिया, ये हमारी कंपनी में डायमंड के स्तर पर है और हम सब इनकी डाउनलाइन है। यही स्थिति एक बार चेन्नई रेलवे स्टेशन पर भी थी। एक महिला का स्वागत करने के लिए लगभग 1000 युवक युवतियां प्लेटफॉर्म पर थे। उनका उत्साह उमंग देखने के लिए दूसरे यात्री भी ठहर गए थे। ट्रेन से उतरते ही उसके सम्मान में एक बैंड ने सलामी दी और तिलक लगाकर उस महिला की आरती उतारी गई। सैकड़ों गुलदस्ते फूल मालाएं लिए यह विदा हुई। वह एक नेटवर्क कंपनी में एमरल्ड के स्तर पर थी। यह दिल से चाहने वालों की भीड़ थी, ऐसी भीड़ जो नेता लाखों खर्च करके भी नहीं जुटा सकते। इस कभी न भूल सकने वाले सम्मान और फल के बिछाए भीड़ में जमा होने का कारण साफ है। यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें जुड़ने वाले और जोड़ने वाले दोनों जीतते हैं। इसमें आपको जोड़ने वाला व्यक्ति आपके साथ आपके बिजनेस को बढ़ाने में मेहनत करता है, आपके लिए मीटिंग से लेता है, प्लान पेश करता है। जब आपके सम्मिलित प्रयास से आपको नए साथी मिलते हैं, आपका प्रायोजक, आप दोनों मिलकर नए साथी का बिजनेस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह एक विन विन व्यापार है। जिस व्यक्ति को आप जोड़ते हैं वह इस अद्भुत अवसर देने हेतु आपका कृतज्ञ होता है। एक जीवन भर का रिश्ता आपके बीच स्थापित हो जाता है। फिर जो आदर, समर्पण और सम्मान की भावना पैदा होती है वो दिल की गहराइयों से होती है। अक्सर नेटवर्क कंपनियों के लोग अपने सम्मान सेमिनार में मुझे प्रमुख वक्ता के रूप में बुलाते हैं। वहाँ माहौल में गजब की उत्तेजना होती है। दूसरों की उपलब्धियों पर हजारों लोग खड़े होकर स्वागत करते हैं। अपने अपलाइन
प्रायोजक और लीडर को कंधों पर बिठाकर मंच पर ले जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी इस सम्मान की कल्पना नहीं कर सकते। उन उल्लास भरे, आशा भरे सम्मान के क्षणों से प्रेरित होकर बहुत से सामान्य लोग अपने मन में ठान कर नए सिरे से प्रयास शुरू करते हैं और नई ऊंचाइयां हासिल करते हैं। सामान्य लोगों को विशिष्ट सफलताएं हासिल करते देखकर असफलता की परिस्थितियों की और हीन भावना की सारी दीवारें भर भरा कर गिर जाती हैं। यदि आप देश के शीर्ष राजनेताओं और उद्योगपतियों में से भी ज़्यादा सम्मान के क्षणों को महसूस करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि सैकड़ों लोग आपके चेहरे से पहचानें, आपके लिए अपनी सीट से खड़े होकर हो, तो थोड़ी सी मेहनत करके एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़िए और उसमें उपलब्धियां हासिल करें। लेकिन यह सम्मान आसानी से नहीं मिलता। काफ़ी मेहनत के बाद जब आपके ढेर सारे सहयोगी बन जाते हैं, तब आपको वह ऊंचाई प्राप्त होती है। यह ऊंचाई इस सम्मान को आमंत्रित करती है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सामान्य जिंदगी जीकर जीवन बिताना चाहते हैं या आप कठोर और योजनाबद्ध श्रम करके राजसी सम्मान की अद्भुत अनुभूति लेना चाहते हैं। आप अपने सीईओ हैं। एक स्वतंत्र बिजनेस का प्रमुख सर्वसर्वा और मालिक कहलाने का आनंद कुछ और है। ना समय पर ऑफिस पहुंचने की झंझट, ना फाइलों या आदेशों का अंबार, ना रोज की रिपोर्टिंग, ना अतिरिक्त कार्यों का दबाव। ऐसी किस्मत हम में से कौन नहीं चाहेगा। अपनी कंपनी का प्रमुख सीईओ बनने में हो सकता है आपको 20 से 30 साल बन पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली आपसे एक पेशकश कर रही है कि आप चाहें तो अगले एक घंटे में स्वयं के जीवन के सीईओ बन सकते हैं। बस आपको एक नेटवर्क प्रणाली पर आधारित कंपनी का चुनाव करना है, उससे जुड़ना है, फिर अपने भाग्य निर्माता, नीति निर्माता सब आप स्वयं होंगे। अपने काम करने के तरीके, किससे काम करना है, किससे नहीं, भविष्य की योजनाएं और लक्ष्य बनाएं, सब कुछ आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। और यहाँ खुद का सीईओ बनने के लिए उम्र का बंधन नहीं है। चाहे आप 20 के हो या 60 के हो, इस प्रणाली में सबका आपका स्वागत है। क्या आप बनना चाहते हैं सीईओ? नंबर 10, संपर्कों की खदान। एक सामान्य नेटवर्कर से मैंने एक बिजनेस से जुड़ने का कारण पूछा। उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। उसने कहा, सर मेरी बेहद साधारण नौकरी है और 6,000 की महीने की तनख्वाह है, लेकिन मेरी हमेशा यह इच्छा रहती है कि ऊंचे पदों पर आसीन लोगों से, डॉक्टरों से, वकीलों से, इंजीनियरों से मेरी दोस्ती हो, परिचय हो और मैं उनके साथ उठ बैठ सकूं। थोड़ी सी लागत से मैं इस बिजनेस से जुड़ गया हूँ और इन सभी विशिष्ट लोगों के साथ समक्ष आ गया। अब मैं उनसे गले मिलता हूँ और हाथ मिलाता हूँ और मीटिंग में उनके साथ बैठता हूँ। यहाँ तक कि अब मैं सिनेमा हॉल या होटल में भी मिलते हैं, एक दूसरे से खुशी से हाथ मिलाते हैं और चंद बातें भी करते हैं। मेरे सहकर्मी मेरे संपर्कों की नई खदान को लेकर काफ़ी हैरान है। धीरे धीरे ऑफिस में, परिवार में और समाज में मेरा स्तर बढ़ने लगा है। मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि अच्छे लोगों के साथ मेरी सोच और व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। उस नेटवर्कर ने कहा, सिर्फ पिछले 6 महीनों में जितने विशिष्ट लोगों से मैंने संबंध बनाए, इतने तो जीवन भर में नहीं बना पाता। मेरा अंतर्मन उस नेटवर्कर की बातों से सहमत हो गया। यदि मैं शहर में 1,000 अच्छे लोगों से अच्छी मित्रता और परिचय बनाने का कार्य करूं, तो कम से कम 2 साल तो अवश्य लगेगा, परंतु इस प्रणाली से यह सिर्फ कुछ दिनों में हो सकता है। यह सारे संपर्क आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, सुख दुख के साथी बनते हैं और जीवन की उलझने आसान करते हैं। क्या हम और आप संपर्कों की खदान का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? नेटवर्क चेतावनी। इस बिजनेस की कम लागत की वजह से आकर्षित मत होइए, क्योंकि इसकी असली लागत ना सुलझे की हिम्मत, संपूर्ण समर्पण, अनवरत प्रयास और सपनों को पाने का जुनून है।